मैंने आज से लगभग एक महीना पहले जब हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कही कि आप ऑनलाइन आकर अपना डोनेट कर सकते हैं एनएसडीएफ में, मैंने तब भी कहा था अडॉप्ट एथलीट, अडॉप्ट स्पोर्ट, अडॉप्ट एन एकेडमी, और आपने उस दिशा में आगे बढ़कर खिलाड़ी को भी और खेल को भी दोनों को ही अडॉप्ट करने का काम किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता में आए खेलों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास किया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की थी, और इस स्कीम के माध्यम से खिलाड़ियों को जो एलीट एथलीट चुने जाते हैं उन एलीट एथलीट्स के रहने का, भोजन का, उनकी ट्रेनिंग का, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश में और विदेश में सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, उनके नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और उसके अलावा 6 लाख रुपया प्रति एथलीट जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार ही करती है। लगभग 100 करोड़ रुपया इसके ऊपर हमने खर्च किया है और आगे भी इस स्कीम को जारी रखे हुए हैं। 3000 से ज़्यादा एथलीट्स को हमने खेलो इंडिया की जो एक्रेडिटेड अकेडमीज हैं उनमें भी 5-5 लाख रुपए के खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर, और इसके अलावा 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च दिया जाता है एक एक खिलाड़ी को। इसी तरह से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 29 पूरे देश भर में चल रहे हैं, इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर लगभग 1,000 पूरे देश भर में हम बनाने जा रहे हैं, जिनमें से 590 की अनुमति दे दी है, और अगले साल 15 अगस्त तक हम लोग 1,000 के 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स को बनाने की दिशा में हर कदम उठा लेंगे। यही नहीं, साई ट्रेनिंग सेंटर्स हों या बाकी सुविधाएं हों, हम ये भी करके दे रहे हैं। लंबे समय से पेंडिंग, हमने तो यहां तक कि जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी वो भी छोड़कर कोचिज की संख्या बढ़ाने का काम हमने डिपार्टमेंट में किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 400 से ज़्यादा कोचेस को रखने का काम भी हमने किया है, और हमारा प्रयास है जो खिलाड़ी खेल छोड़ने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहा है अगर उनमें कोच बनने की इच्छा शक्ति है तो उनको कोचिंग, जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो, कोच की कोचिंग करने की बात हो, उसको कोचिंग करने के लायक बनाने की बात हो, ये भी हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं ताकि वो खेल के साथ एक बार वापस जुड़े और उभरते हुए खिलाड़ियों को आगे ट्रेनिंग दे सके। उसमें भी बहुत सारे विभागों ने अपने अपने खिलाड़ियों को, किसी ने डेपुटेशन पर भेजा है, किसी ने लोन बेसिस पर भेजा है। इससे हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोचेस की जो डिमांड थी उसकी पूर्ति भी हो रही है, और मुझे लगता है आगे भी हम सब ये करेंगे। आज का ये प्रोग्राम संभव नहीं होता अगर प्रधानमंत्री जी की सोच कि खेल को बढ़ावा देना है उसको पूरा करने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री आरके सिंह जी ने ये कदम नहीं उठाया होता। मैं सर आपका बहुत बहुत आभार, अपनी ओर से सभी खिलाड़ियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीएसयूज तो बहुत है, लेकिन खेलों से जुड़ने के लिए जो आगे आए हैं उनका मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ, एक तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काम करेंगे, दूसरा देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करेंगे, तीसरा देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए जब किसी दूसरे देश की धरती पर तिरंगा लहराता है और हमारा राष्ट्रीय गान बजता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी के गले में गोल्ड मेडल और भारतीय राष्ट्रगान की धुन पूरी दुनिया में सुनने को सुनाई देती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप आगे भी, बाकी कंपनीज भी आगे आएंगी, ना केवल कंपनीज जो पीएसयूज हैं बल्कि कॉरपोरेट जगत के बाकी लोग वो भी आगे आए, मेरा उनको निमंत्रण रहेगा। मैं उनसे आग्रह भी करता हूं कि कृपया आगे आए, खेलों को बढ़ावा दें। इंडिविजुअल्स जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को लगता है कि किसी एक खिलाड़ी को उसको प्रमोट करना है या उसके लिए डोनेट करना है, और एक खिलाड़ी पर खर्चा साल का किसी के ऊपर 5 लाख तो किसी के ऊपर 2 लाख भी आ सकता है, तो छोटी से लेकर बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन तक, इंडिविजुअल से लेकर इंस्टीट्यूशन तक, कॉरपोरेट से लेकर
किसी आम जनमानस, कोई भी आप में से अपना योगदान दे सकता है जिससे कि खेलों को बढ़ावा मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप अपना सहयोग करेंगे तो हमारे इन खिलाड़ियों ने न कभी भारत को पीछे मुड़ के देखने दिया है, और आपको इससे साफ पता चलेगा कि आज तक के सबसे ज्यादा मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल भारत ने जीतने का काम किया, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा 19 मेडल, डेफ ओलंपिक में 16 मेडल, और थॉमस कप जहां हम कभी नहीं जीते थे 73 साल में वहां भी गोल्ड मेडल जीता, आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने जहां गोल्ड मेडल जीता वहीं पर प्रवीण हुडा ने और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। तो कॉमनवेल्थ गेम में हमने 61 मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीतने का काम भी किया है और भारत का नाम रोशन किया है। इसको हमें अभी बहुत आगे बढ़ाना है, 2024 के ओलंपिक से लेकर आगे तक लेकर जाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हमें माननीय आर के सिंह जी को सुनना है, लेकिन उनकी बात सुनने से पहले उनके दोनों पीएसयूज के सीएमडी विवेक जी और गुरदीप जी, आपका और आपकी सारी टीम का, आपने दिल खोलकर खेलों की मदद की है। मैं सभी खिलाड़ियों और खेल संघों की ओर से और भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।